नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल बीट द रस पर। दोस्तों अगर देखा जाए तो सेंसेक्स और निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं, और ऐसे में किसी नए इन्वेस्टर को अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसको अभी स्टॉक चूज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अच्छे शेयर हो या बुरे शेयर हो, मार्च 2020 से ऑलमोस्ट मैक्सिमम शेयर 100% या इससे ज़्यादा का रिटर्न दे चुके हैं अब तक। मार्च में जब कोविड का केस आने चालू हुए थे तब ऑलमोस्ट दुनिया के सारे मार्केट क्रैश होकर अपने मिनिमम लेवल पर ट्रेड करने लगे थे पिछले कुछ 5-7 सालों का अगर हम रिकॉर्ड खंगा ले तो। लेकिन आज की तारीख में भी कुछ ऐसे शेयर हैं जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है और मेरे हिसाब से वो वैल्यू इन्वेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि उनका बिजनेस का परफॉर्मेंस और बिजनेस का मॉडल काफी अच्छा है पिछले कुछ दिनों का अगर आकलन किया जाए तो। फिर यहाँ पे लोगों के मन में सवाल ये आ सकता है कि आखिर वो कौन सा ऐसा स्टॉक है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और उस शेयर का पूरा डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, पिछले कुछ सालों का बिजनेस परफॉर्मेंस भी हम देखेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो अभी करंट सिचुएशन है अक्रॉस द ग्लोब, उसमें हर किसी को प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर को। वैसे ऐसे वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले आप भी शेयर चूज कर सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। जो भी शेयर सेलेक्ट करें वो हाथी टाइप हो, ना कि वो हिरन टाइप हो। हाथी टाइप कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि वो कोई बड़ी कंपनी हो, अपने फील्ड में मार्केट का लीडर हो और पिछले कुछ सालों में उसका परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा हो। और हिरन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे शेयर आप देखे होंगे कि पिछले एक साल में 400-500 तक का भी रिटर्न दिखा चुके हैं, स्पेशली मार्च 2020 के बाद। वैसे शेयर को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जिस रफ्तार से सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ रहा है, चाहे छोटे शेयर हो या बड़े शेयर हो, काफी तेजी से भाग रहे हैं। अगर आप यहाँ पे हाथी जैसे शेयर सेलेक्ट करते हैं तो जैसा कि हाथी का रफ्तार होता है वैसे ही ये बड़े शेयर धीरे धीरे चढ़ते हैं और धीरे धीरे उतरते हैं। सपोज मार्केट में एक बड़ा करेक्शन भी आता है तो वहां पे मात्र आपको 2-5% या 6% का लॉस दिख सकता है, वो भी अगर आप बुक करें तो। वरना अगर आप लॉन्ग टर्म तक जाते हैं तो निश्चित ही उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। वहीं पे आप अगर हिरन टाइप के शेयर सेलेक्ट करते हैं जो पिछले 1 महीना 2 महीना या 6 महीना में 100% 200% का ग्रोथ दिखाए हैं, तो जितना तेजी से वो आगे बढ़े हैं उतना ही तेजी से वो नीचे भी जाएंगे अगर मार्केट करेक्ट करता है तो। उस शेयर के बारे में बात करें उसके पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा अक्रॉस द ग्लोब अभी मार्केट का सिचुएशन कैसा चल रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 17 दिसंबर 2020 को जो मार्केट का क्लोजिंग होता है इंडिया में यानी सेंसेक्स, वो 46,890 पे होता है और आज भी ये मार्केट 223 अप रहता है। अगर मार्च 2020 हम इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पे 83% का अपसाइड देखने को मिला है, जबकि अगर ईयर टू ईयर हम कैलकुलेशन करके देखें तो ये करीब 12% अप है फिलहाल पिछले दिसंबर आज के डेट से आज की तारीख में। ये तो रहा इंडिया का सिचुएशन, लेकिन अक्रॉस द ग्लोब जितने भी स्टॉक मार्केट हैं सब जगह ऐसा ही चल रहा है। आप देख सकते हैं कि एशिया डाउ जो होता है, जो पूरे एशिया को रिप्रेजेंट करता है, ये 3761 के आसपास चल रहा है और ये भी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। निक्की भी 26,800 के आसपास चल रहा है। एशिया मार्केट के अलावा अगर हम यूरोप मार्केट की भी बात करें तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कोविड की मार बहुत ज्यादा उधर पड़ी है, फिर भी वहां के भी मार्केट ऑलमोस्ट अप ही चल रहे हैं हर तरफ देखा जाए तो। यूएस के मार्केट में भी देखें तो बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन है और वहां का डाउ भी अपने लाइफ टाइम हाई ही चल रहा है और ये 30,000 क्रॉस करके करीब 30,305 के आसपास चल रहा है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ती है, आइए बात करते हैं उस शेयर के बारे में जिसका मैंने जिक्र किया था कि उसमें अभी भी वैल्यू इन्वेस्टिंग का अच्छा खासा स्कोप है। उस शेयर का नाम है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और ये AMC बिजनेस में है, यानी ये म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। HDFC का यहाँ पे नाम है, तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर से आने वाली वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट बैंक है जो पब्लिक को नर्चरिंग कर रही है फिलहाल इंडिया में। और अमूमन अगर देखा जाए तो HDFC में केवल दो का ही बात किया जाता है जब भी हम लोग बात करते हैं जनरली, HDFC बैंक और HDFC जो हाउसिंग डेवलपमेंट का लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। ये कंपनी भी काफी शानदार है, अभी आप बोल सकते हैं कि इसका फिलहाल मार्केट उस तरीके से ग्रोथ नहीं किया है मार्च 2020 के बाद, क्योंकि म्यूचुअल फंड का बिजनेस जो चल रहा है फिलहाल म्यूचुअल फंड में उस तरीके से पैसा का इनफ्लो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इसके शेयर में उतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही मार्केट स्टेबल करेगा उसके बाद म्यूचुअल फंड का बिजनेस ग्रो करेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड का अगर कंपैरिजन हम FD वगैरह से करें तो इसमें रिटर्न अच्छा खासा मिल रहा है।
है और इंडिया का जो डेमोग्राफी है उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे लोग अभी इक्विटी शेयर में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर हम पिछले कुछ दिनों के इसका परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं वन वीक में करीब 2.23% का रिटर्न दिया है। वन ईयर की हम बात करें तो अभी भी 10% डाउन चल रहा है। जैसा कि मैं बता रहा था कि इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग का इसमें इसीलिए स्कोप है क्योंकि ये अपने मैक्सिमम प्राइस नहीं अपने 52 वीक हाई से भी काफी नीचे चल रहा है। इसका 52 वीक हाई 3,446 के आसपास रहा है और अगर करंट प्राइस हम इसका देखें तो 2,838 है, जिसमें ऑलमोस्ट 10% का अच्छा खासा पोटेंशियल दिख रहा है आने वाले दिनों में इसको ग्रो करने के लिए। पिछले 5 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो पिछले 5 साल में इस कंपनी ने 56.29% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग ही हुई थी अगस्त 2018 में, तो कह सकते हैं कि 2 साल से थोड़ा सा ज्यादा हुआ जिसमें इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 56% का रिटर्न दिया है। ये कंपनी लार्ज कैप से बिलोंग करती है और इसका फिलहाल मार्केट कैप 60,955 करोड़ के आसपास है। फोरकास्ट यानी एनालिस्ट ओपिनियन हम देखें तो यहाँ पे 18 लोगों ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें से 61% की तादाद में लोग ने इसको रिकमेंड किया है बाई करने के लिए। अब जान लेते हैं पिछले कुछ सालों का इसका बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसके लिए मैं आप लोगों को ले जाना चाहूंगा screenor.in के साइट पे। मैं आ चुका हूं screenor.in के वेबसाइट पे और हम देखेंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जहां पे आप देख रहे हैं इसका सेल्स मार्च 2016 में 1490 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो धीरे धीरे ग्रो करते करते मार्च 2020 में 2124 करोड़ हो जाता है। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन के परसेंटेज की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो मार्च 2016 में 48% हुआ करता था वो बढ़ के मार्च 2020 के खत्म हुए एनुअल ईयर में 80% हो जाता है। यानी इन दोनों एस्पेक्ट में कंपनी ने ठीक ठाक ग्रोथ दिखाया है। अदर इनकम अगर हम देखें तो ये मार्च 2016 में 4 करोड़ हुआ करता था, जो फिलहाल मार्च 2020 में 19 करोड़ के आसपास है। ये कोई मेजर एस्पेक्ट नहीं है, ये अदर इनकम वो होता है कि सपोज आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है जिसको सेल करके अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो उसको हम अदर इनकम के कैटेगरी में लाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता ऐसी बड़ी कंपनियों के लिए। नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो मार्च 2016 में इस कंपनी ने 478 करोड़ रुपया का मुनाफा कमाया था, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मार्च 2020 में 1262 करोड़ रुपया का मुनाफा हो जाता है। यहाँ पे एक बड़ा पॉजिटिव मुझे दिख रहा है इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, कंपनी का सेल्स मार्च 2016 से मार्च 2020 के आसपास जो ग्रोथ दिखाया है सेल्स में, इसका सेल्स का ग्रोथ ऑलमोस्ट 70% के आसपास होता है, जबकि इसका नेट प्रॉफिट डबल से ज्यादा हो जाता है या हम कह सकते हैं कि 2.5 गुना हो जाता है। यानी कंपनी ने जो अपना इनपुट कॉस्ट को कम किया है, जो वेरिएबल कॉस्ट होता है उसको कम किया है और इस कंपनी ने प्रॉफिट ज्यादा कमाने पे फोकस किया है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 साल या 10 साल का रिकॉर्ड नहीं दिया हुआ है क्योंकि इस कंपनी ने अभी 5 साल पूरा नहीं किया है मार्केट में और 3 साल में इसका जो ग्रोथ दिख रहा है वो 11% का दिख रहा है, जबकि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका 32% हुआ है। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोग को नोट कराना चाहूंगा कि अगर आपका पैसा 26% कंपाउंडेड होता है एनुअली तो वो 3 साल में 100% का रिटर्न हो जाता है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें तो फिलहाल ये कंपनी को लिस्टिंग हुए मात्र 2 साल हुए हैं, इसलिए न 3 साल का डेटा अवेलेबल है, न 5 साल का और न ही 10 साल का। बैलेंस शीट में जाते हो हम यहाँ पे देखेंगे इसका कि आखिर इसके पास रिजर्व्स कितना है। रिजर्व इसका मार्च 2016 में 1126 करोड़ हुआ करता था, वो भी काफी शानदार तरीके से बढ़ते बढ़ते सितंबर 2020 में 3974 करोड़ हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कंपनी काफी साउंड है, क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर अच्छा खासा रिजर्व आपको दिखता है यानी कैश बैलेंस दिखता है तो फंडामेंटली उस कंपनी को स्ट्रांग माना जाता है। वीडियो के आखिरी पड़ाव में हम देख लेते हैं कि इस कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स क्या है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं है या है तो बहुत ही मामूली है, जो बहुत ही नेग्लिजिबल है। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स, ROE 36.8%, मतलब जो रिटर्न ऑन इक्विटी का इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 3 साल का वो 36.08% का रहा है। तीसरा प्रोस है इसका, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 49.8%। कंपनी ग्रोथ के अलावा ROE के अलावा अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है जिसका परसेंटेज 49.80% है। कॉन्स की अगर हम बात करें जो निगेटिव चीज होती है किसी भी स्टॉक के लिए, तो यहाँ पे एकमात्र कॉन्स दिख रहा है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 14.81 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। इसका जो करंट मार्केट प्राइस है इसके बुक वैल्यू से 15 गुना ज्यादा है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि आप किसी भी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो ये ऐसा ही दिखेगा और अमूमन ये हर अच्छे स्टॉक के साथ होता है कि उसका बुक वैल्यू से कंपेरिजन
रिविजन करने पर जो उसका मार्केट प्राइस होता है 14 गुना 15 गुना 20 गुना 10 गुना इवन कुछ शेयर के तो 25 से 30 गुना भी आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। साथ ही मैं ये सजेशन फिर से दोहराना चाहूंगा, अगर करंट टाइम में अगर कहीं पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप हाथी टाइप के शेयर पे जाए, ना कि हिरन टाइप के शेयर पे जाए जो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। मैं तो यहाँ पे बताना चाहूंगा कि किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए हमेशा हाथी के साथ ही जाना चाहिए, भले ही उसका स्टॉक प्राइस ज्यादा हो लेकिन स्टॉक वैल्यू हमेशा उसका अच्छा दिखेगा, बशर्ते आप लंबे टाइम तक उस स्टॉक के साथ स्टिक करें। ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आप किसी पेनी शेयर या किसी ऐसे शेयर में ना जाएं जो पिछले कुछ दिनों या पिछले कुछ महीनों में 100% 50% का रिटर्न दिया हो। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।